नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में चल रही सियासी बवाल के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान सरकार ने महंगाई बम फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कीमत आधी रात से लागू हो गई है। इसके बाद इस्लामाबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 179.86 और डीजल की कीमत 174.15 रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा केरोसिन तेल पर भी 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 155.56 रुपए हो गई है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हुई बढ़ोतरी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कई ट्वीट्स कर पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधा है तो भारत की प्रशंसा भी की है। खान ने ट्विटर पर ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बारे में लिखा, देश पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ विदेशी आकाओं के सामने आयतित सरकार की अधीनता के लिए कीमत चुकाना शुरू कर रहा है। इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।